सब लोग, फिर आज सबसे पहले वीडियो में आपको पीछे से थोड़ा सा नॉइस आएगा। पीछे से कह रहे हैं मतलब ऐसा पीछे नहीं, मेरे आगे ऐसी बारिश हो रही है तो जो बैकग्राउंड में नॉइस आएगा उसको इग्नोर मार देना। वेल, आज की इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ सबसे सस्ते, सुंदर और टिकाऊ ईयरफोन्स के बारे में, जो कि है बोल्ट ऑडियो X1। एंड फिलहाल में अभी मेरे पास में बात करते हैं इस पूरे ईयरफोन की, इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, पता करेंगे क्या ये अच्छे ईयरफोन है इसके प्राइस रेंज के अंदर। सो पूरा जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ, ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। यार वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक देख लेना। ऑल दो अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला या फिर मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। अब मेन वीडियो के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस बोल्ट ऑडियो X1 का मैं एक क्विक अनबॉक्सिंग आपके सामने दिखा देता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे इसके रिव्यू के बारे में। सो यही पे मैं अनबॉक्स करता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पर ऊपर एक बोल्ट ऑडियो X1 देखने के लिए मिलता है। साइड में कुछ फीचर्स है जैसे कि एल शेप्ड कनेक्टर, 1 ईयर वारंटी, एक्स्ट्रा बेस, डीप बास, 3D कोस्टिक, बिल्ट इन माइक और बिल्ट इन माइक्रोवोफर। साइड में भी वही बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग है, पीछे इनके कुछ कंपनी की कुछ डिटेल्स दी गई है, लेकिन सबसे पीछे यहाँ पर हमको MRP दी गई है ₹999, यानी कि ₹1000। मतलब ऐसा क्यों ₹1000 क्यों दी भाई? तुम एप्पल एयरपोर्ट्स वाली 12,000-14,000 प्राइस रख देते और अमेजोन फ्लिपकार्ट पर क्यों बेचना है? फिर नापथोल पर बिचवाते हैं उस प्राइस को, कट करके आप ₹500 प्राइस करके लोग खरीद भी लेते। चलो खैर, हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। वेल, मैं इसकी ऑलरेडी सील ब्रेक कर चुका है, यानी कि इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ अनबॉक्स। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, हमको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग देखने के लिए मिलती है। पैकेजिंग मेरे को अच्छी लगी। उसके अलावा अंदर हमको देखने के लिए मिलता है बोल्ट की तरफ से एक वारंटी कार्ड, जो कि 1 ईयर की वारंटी है। एंड यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है QR, इसको स्कैन करना पड़ेगा हमको वारंटी को क्लेम करने के लिए। फटाफट से आते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड पैकेजिंग मेरे को वाकई में अच्छी लगी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिखती है। इसको मैं वैसे ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है। एंड यूज़ करने के बाद में मैं इसको वापस से कर रहा हूँ। ये देखिए, हमको कुछ इस तरीके से ईयरफोन देखने के लिए मिलते हैं, थोड़े से एंगल्ड वाले हैं सबसे पहले बॉक्स में हमको। उसके अलावा यहाँ पर ये ईयर टिप देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर हमको लार्ज साइज और स्मॉल साइज देखने के लिए मिलते हैं, मीडियम इसमें लगे हुए। ऑल दो यहाँ पर हमको ईयर हुक्स भी देखने के लिए मिलते हैं लार्ज साइज और स्मॉल साइज के, मीडियम इसमें ऑलरेडी लगे हुए आते हैं। अब फटाफट से मैं यहाँ से इसको खोल देता हूँ। तो सबसे पहले अब यहाँ पर इसकी केबल के बारे में बात करते हैं, बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। तो इसकी केबल देखिए, सबसे पहले टैंगल फ्री केबल हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है, टैंगल नहीं होती। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि मेरे को ब्रेडेड केबल अच्छी लगती है, एंड इसमें हमको ब्रेडेड केबल नहीं मिलती। एंड इसका सिर्फ यही एक कॉन मेरे को लगा है कि हमको इसमें ब्रेडेड केबल नहीं देखने के लिए मिलती। बाकी बात करूँ मैं इसके यहाँ पर की, तो देखिए यहाँ पर हमको एक माइक देखने के लिए मिलता है, एक सिंगल बटन देखने के लिए मिलता है जो आपके कॉल कनेक्ट, डिसकनेक्ट एंड गूगल असिस्टेंट के लिए काम आ जाता है। एंड और भी फीचर्स है, लाइक अगर आप डबल टैप वगैरह करते हो आप अपने हिसाब से इसमें फीचर्स को सेट कर सकते हो। उसके बाद बात करें इस ईयरफोन की, तो यहाँ पर हमको मैंने ग्रे कलर की ईयरफोन है, एंड हमको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। इसका मैं आपको क्लोज शॉट जरूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो बॉडी की बात करूँ तो थोड़ी सी मेटेलिक फिनिश लगती है, बट मेटेलिक फिनिश यहाँ पर हमको नहीं देखने के लिए मिलती। उसके अलावा यहाँ पर जो ईयर हो के, अगर मैं इसको बात करूँ ईयर में फिट की, तो जी हाँ, फिट हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मेरे को, मैंने अमेजोन से परचेस किया है ₹350 के अंदर। यूजुअली इसकी प्राइस कुछ 450 से 500 रुपये की होती है, कभी कभी सेल हो जाती है तो 400 रुपये भी हो जाती है, एंड बाय चांस बाय लक कभी कभी 350 हो जाती है, जैसे वो चांस मेरे साथ भी हो गया तो मैंने इसको परचेस कर लिया। सो अगर मैं इसके प्राइस के हिसाब से बात करूँ 350 रुपये में, तो मेरे को अच्छा देखने के मिलता है। अब यहाँ पर एक आपको मेन चीज़ बता दूँ इसके जैक के बारे में, इसका जो जैक है ये हमको गोल्ड प्लेटेड जैक देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट जैसे हमको यहाँ पर बॉक्स पर दिखाया गया था एल शेप्ड कनेक्टर, आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमको एल शेप्ड कनेक्टर दिखाया गया था, वैसा एल शेप्ड आपको नहीं देखने को मिलता। आपने यूजुअली ईयरफोन में देखा होगा या तो आपको एक स्ट्रेट जैक देखने के लिए मिल जाता है, या फिर जो आपको कनेक्टर होता है वो एंगल्ड देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पर ना हमको स्ट्रेट देखने मिलता है ना एंगल देखने को मिलता है, काफ़ी कम टिल्ट हुआ हुआ देखने के लिए मिलता है, एंड ये कहीं ना कहीं अनॉय करता है। लाइक हाँ ठीक है यार, जो स्ट्रेट है उससे थोड़ा सा बेहतर है, एंड जो एंगल्ड है उससे थोड़ा सा कम बेहतर है, उसके बीच में आता है। बट अगर मैं बात करूँ जैसे एंगल्ड जैक, अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग में हमको एंगल जैक में प्रॉब्लम नहीं जाती, बट यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाती है। एंड जैसे मैं बात करूँ अपने फ़ोन की, तो मेरे फ़ोन में यहाँ पर नीचे से 3.5 mm जैक होता है, तो यहाँ से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मैं ऐसे रखूँगा तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, तो मेरे को फ़ोन को दूसरी डायरेक्शन में कुछ टिल्ट करके इसको प्ले करना पड़ता है। सो काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं इसके ओवरऑल म्यूज़िक वगैरह की बात कर लेता हूँ, तो देखिए यार मेरे को म्यूज़िक इसका काफ़ी ज़्यादा सही लगा, फ्रेंकली बता रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक बोट बासेट्स 152 है, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो
बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो थोड़ा सा लाउड देखने के लिए मिलता था, एंड वहाँ पर फिर उससे थोड़ी कम प्राइस में मैंने इसको परचेज किया, एंड ये मेरे को वाकई में अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा थम्पिंग बास अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं देखने के मिलेगा इसकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बिकॉज बजट में बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, उतना आपको थम्पिंग बास वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक आप कह सकते हो बराबर बराबर का आपको इक्वल सारे साउंड देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड एवरेज क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। बट इस प्राइस के हिसाब से मैं देखूँ, जैसे मैंने इस प्राइस में पेट्रॉन वाले भी ट्राई कर चुका हूँ, ऑलरेडी बोट के ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे को इस प्राइस में ये वाले सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, एंड वाकई में यार जो फील आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अगर मैं ईयर फिट की बात करूँ, लाइक अगर आप इसको इस तरीके से अपने ईयर में फिट कर लेते हो सो ईजिली गिरते भी नहीं आप ऐसे ऐसे कर लो, एंड जो मेन एक रीज़न है वो है इसके ये ईयर हुक्स। ईयर हुक्स के कारण ये ईजिली नीचे भी नहीं गिरते, बिकॉज ये ईजिली आपके कान में फिट हो जाते हैं, एंड इसमें आपको और भी कुछ कनेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। कनेक्टर्स का कहने का मतलब कुछ हुक्स देखने के लिए मिलते हैं, ईयर हुक्स और ईयर टिप्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपनी ईयर साइज के हिसाब से। तो ये मेरे को इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। नाउ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इन ईयरफोन्स की कि हमको कैसे देखने के लिए मिलते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर म्यूजिक की बात करूँ, यानी कि ऑडियो की बात करूँ, तो हमको डिसेंट सा देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं देखने के लिए मिलता, यानी कि इस प्राइस के हिसाब से हमको डिसेंट ऑडियो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप पबजी भी खेलते हो तो मेरे भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ, फुटप्रिंट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको ईजिली सुनाई जा जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, बाहर से भी कोई आपको मतलब कोई बाहर से ऐसा नॉइस आपको अनॉय नहीं करता इस ईयरफोन के कारण, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिट की बात करूँ तो ईयर फिट भाई नो डाउट बहुत अच्छा है। इस प्राइस के अंदर बहुत कम ईयरफोन ऐसे हैं जो हमको ईयर हुक प्रोवाइड करते हैं, जो कि अगर आप स्पोर्ट्स करते हो, आप एथलीट हो, जॉगिंग करते हो, सो ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले, क्योंकि ईयर हुक जो होते हैं वो यहाँ पर आपके ईयर में ईजिली फिट हो जाते हैं उसके कारण, एंड ये निकलते नहीं है। अब दूसरी बात करूँ यहाँ पर प्लेट की, तो ये देखिए हमको गोल्ड प्लेटेड यहाँ पर हमको ऑडियो कनेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एक कॉन अगर मैं आपको इसके बारे में बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमको ब्रेडेड केबल नहीं देखने के लिए मिलती, बट इस प्राइस के अंदर बहुत कम ईयरफोन ऐसे हैं जिसके अंदर हमको ब्रेडेड केबल देखने के लिए मिलती है, बस ये एक कॉन है। एंड दूसरा कॉन मतलब मेरे लिए है, आपके लिए हो या नहीं हो आई डोंट नो, कि इसका जो कनेक्टर है वो एल शेप नहीं देखने के लिए मिलता, मैं एल शेप थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट वही बात आती है कि आपके फ़ोन को जब टिल्ट कर लोगे, लाइक इस तरफ से कनेक्टर है तो मैं ऐसे नहीं पकड़ सकता, मैं ऐसे कर लूँगा तो फिर मेरे को उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, तो अगर आप फ़ोन टिल्ट कर लोगे तो दिक्कत नहीं जाती। बात करो अब इसको आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मेरे भाई मेरे हिसाब से आप इसको खरीद सकते हो। अगर 500 रुपये की मैं बात करूँ, सो 500 रुपये में आप दूसरे ईयरफोन की तरफ जा सकते हो, लाइक बोट अवेलेबल है, रियलमी बड्स अवेलेबल है, उनकी तरफ आप जा सकते हो। बट अगर 500 से नीचे मिलते हैं, लाइक 450 रुपये, 400 रुपये या फिर 350 रुपये, मेरे भाई फ्रेंकली बोल रहा हूँ उस प्राइस में इनसे बेहतर आपको दूसरे नहीं देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, 350 से 450 के बीच में आपको दूसरे नहीं देखने के लिए मिलेंगे इससे अच्छे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, मैं पेट्रॉन ट्राई कर चुका हूँ, बोट ट्राई कर चुका हूँ, जो ओवरऑल बीएस मेरे को चाहिए था, जो ओवरऑल क्वालिटी चाहिए थी वो मेरे को इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिली है। सो फाइनली ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आती है तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक जरूर कर देना, और अगर इस तरीके की आपको अनबॉक्सिंग्स और चाहिए तो मेरे को नीचे कॉमेंट बता देना, मैं आगे इस तरीके की रिव्यूज अनबॉक्सिंग लाता रहूँगा। बाकी अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।